हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं प्रार्थना करता हूँ आप लोग हमेशा अच्छे रहे। दोस्तों, आप देखिए रियल टेस्ट और आपको स्वागत है फ्रेश न्यू एपिसोड में। तो दोस्तों, आज की वीडियो का आप थोड़े लेके समझिए आज की वीडियो क्या करने वाले हैं। जो लोग नहीं समझे उनको बता देता हूँ, आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा मीठी होने वाली है। और दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए जलेबी मिक्स। ये देख सकते हैं, इसके साथ हमको जलेबी मेकर फ्री मिलता है। तो दोस्तों, मतलब काफ़ी इसकी पैकिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, क्यों? क्योंकि इसके पास एक जलेबी मेकर है और मतलब पैकिंग में जैसे यहाँ पे जलेबी बनी हुई है और कंपनी वालों ने काफ़ी अच्छी अट्रैक्टिव पैकिंग बनाई है इसकी। और ये इसके पीछे से हमको मतलब पीछे से लुक मिलती है इसकी, और ये काफ़ी अच्छी लगती है। और दोस्तों, बाहर तो मतलब अभी मैं ऐसे नहीं दिखा सकता क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं पास लाके आपको बताता हूँ कि क्या कुछ है। तो दोस्तों, हम पास आ चुके हैं, अब देखते हैं कि क्या कुछ मिलता है बाहर हमको। यहाँ पे लिखा है गिट्स, ये कंपनी का नाम है, सिंस 1963, मतलब ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। 3 इजी स्टेप्स और ये डेजर्ट मिक्स इन 15 मिनट्स, मतलब 15 मिनट में हमारी जलेबी बन जाएगी। और इसमें एक कंपनी ऐसा वो करती है कि हम मेक 25 जलेबी, मतलब हम 25 जलेबी बना सकते हैं एक टाइम पे। यहाँ पे लिखा जलेबी प्लस ईजी मेकर बॉटल फ्री। तो ये जो ये वाली बॉटल है ऑरेंज कलर की, ये फ्री है। और दोस्तों, यहाँ पे लिखा है नो एडिड प्रिजर्वेटिव्स और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स एंड कलर्स, मतलब यहाँ पे कोई भी हमको जो एडिड प्रिजर्वेटिव है, जो मतलब बाहर से कंपनी ने कोई भी कलर नहीं मिलाया है, जो सारा है वो नेचुरल, ऐसा कंपनी बोलती है। और नीचे देखते हैं हम, यहाँ पे जलेबी मिल जाती है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। जो 3 जलेबियाँ हैं यहाँ पे, 3 जलेबियाँ जो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है, और मतलब खाने का मेरा जलेबी बहुत मन कर रहा है इस टाइम। और देखते हैं, और यहाँ पे नेट वेट इसका 100 ग्राम देख सकते हैं। और यहाँ पे हमको वेज का लोगो मिल जाता है। फ्रंट की साइड इतना कुछ मिलता है, पीछे देखते हैं दोस्तों, पीछे भी यहाँ पे गिट्स कंपनी का नाम है सिंस 1963। और यहाँ पे दोस्तों, अगर आपको दिख पटे में आ रहा हो तो मैं बता देता हूँ, फॉलो द रेसिपी वीडियो ऑन, ये वेबसाइट दी है हमको दोस्तों। अगर आपको मतलब आप यहाँ से भी देख सकते हैं आप वीडियो और जलेबी बना सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे कंपनी ऐसा क्लेम करती है कि मेक 25 जलेबीज ऑफ अप्रोक्स 12 ग्राम ईच, मतलब 12 ग्राम में 25 जलेबी बनना तय है, ऐसा कंपनी ने बोल रखा है यहाँ पे। और यहाँ पे हम देखते हैं इस्टेब्लिश इन 1963, ये जो कंपनी 1963 में इस्टेब्लिश हुई थी। और गिट्स दोस्तों, ये फर्स्ट कंपनी है जिसने इंस्टेंट फूड लॉन्च किया था हमारे इंडिया में। गिट्स पहली कंपनी है जिसने लॉन्च किया था इंस्टेंट फूड मिक्स हमारे इंडिया में। और दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी सारी बातें दी हैं, आप आराम से पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, अब हम आते हैं यहाँ पे। दोस्तों, इस साइड हमको दी हुई है रेसिपी पूरी जलेबी बनाने की विधि, ये आप भी आराम से पॉज करके पढ़ सकते हैं क्योंकि ये इंग्लिश में भी दी और हिंदी में भी दी हुई है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि कंपनी ने दोनों उसमें दी हुई है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ये भी आप आराम से पॉज करके पढ़ सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, यहाँ पे हमको मिल जाती है न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन, ये भी आप आराम से पॉज करके पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं, ये भी आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, हम नीचे आते हैं तो हमको यहाँ पे मिलता है इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट 8/9/19 और इसका बैच नंबर और ये MRP, जो MRP इसकी 55 रुपीस। ये गिफ्ट, ये गिट्स 5 प्रोडक्ट्स PVT LTD। यहाँ पे भी हमको नेट वेट दिया उसके 100 ग्राम। और दोस्तों, ये बेस्ट बिफोर 12 मंथ्स है फ्रॉम मैन्युफैक्चर, मतलब 12 महीने तक रहेगी। तो हमारी अभी हमारे पास बहुत टाइम है इस, ये मतलब अभी एक्सपायर नहीं होगी, अभी बहुत टाइम है। तो दोस्तों, अब चलिए इसको बाहर से खोलते हैं, हमने पूरा इसको पढ़ लिया है और मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे भी दिया हुआ है गिट्स जलेबी मेकर, गिट्स जलेबी मेकर लिखा हुआ है इस पर। और दोस्तों, इस पर ML में दिया हुआ है, शायद आप पढ़ नहीं पा रहे होंगे। यहाँ पे कुछ अब पढ़ पा रहे होंगे आप शायद। दोस्तों, बाहर हमको मिलता है कुछ इतना ही कुछ, तो चलिए अब इसको खोलते हैं। तो दोस्तों, मैं इसको खोलने जा रहा हूँ, थोड़ा आराम से खोलना पड़ेगा। देखते हैं बोतल अटैच है या फिर ये ऐसी है।
दोस्तों बॉटल तो अटैच नहीं है, ये बॉटल हमारी बाहर आ गई, इसको भी साइड में रख देते हैं, इसका बाद में काम है। और हमारा जलेबी देखते हैं, दोस्तों ये हमारी जलेबी बाहर आ गई। दोस्तों इसके अंदर एक और पुन्नी है, वो भी हमको खोलनी पड़ेगी। कंपनी ने काफ़ी तरह से इसको अच्छे तरीके से पैक किया हुआ है ताकि ये ख़राब ना हो। दोस्तों मैंने पूरा खोल लिया भी, अब इस पर कोई भी बैग नहीं है, मतलब कोई प्लास्टिक बैग नहीं है इस पर। दोस्तों अब चलो इसको बाहर निकालता हूँ, दोस्तों मैं इसको बाहर निकालता हूँ, देखता हूँ कैसा कुछ है बाहर। यहाँ पे कोई भी टेप नहीं है दोस्तों, ये निकला है इसके अंदर से, और ये और इस दोस्तों इस पर लिखा हुआ है पूरे में गिट्स सेल साइंटिस्ट 3। और रेसिपी वीडियो दी हुई है यहाँ पे कंपनी ने अपनी, जो रेसिपी वीडियो है कंपनी की, और जो उस पर बॉक्स में भी लिखा हुआ था कंपनी ने, और थैंक यू फॉर बाइंग दिस गिफ्ट गिट पैक्स, अवर क्वालिटी प्रॉमिस, ये भी आप आराम से करके पढ़ सकते हैं, और अवर रिक्वेस्ट प्लीज़ फॉलो कुकिंग इंस्ट्रक्शंस टू द बैक ऑफ द कार्टन बैग टू इंश्योर यू गेट अ डिजायर्ड टेस्ट। कंपनी ने बोला दोस्तों कि जो पीछे जो रेसिपी दी थी उसको फॉलो करके बनाओ, तभी आपको एक अच्छा टेस्ट मिल पाएगा। तो दोस्तों फटाफट इसको बनाते हैं और देखते हैं कैसी बनती है, और ये 25 जलेबी बनेगी कि नहीं बनेगी वो भी चेक करते हैं। तो दोस्तों चलिए उसको बनाने चलते हैं। तो दोस्तों अभी ये बॉक्स तो खाली हो चुका है वैसे पूरा। अगर मैं आपको एक बात बताऊँ तो हमने आज तक कभी भी जलेबी घर पर नहीं बनाई, हाँ खाई ज़रूर है बाहर, लेकिन आज तक घर पर कभी नहीं बनाई। तो आज देखते हैं कि ये काफ़ी मतलब कैसी लगेगी टेस्टी, ये बाहर वाले की तरह लगेगी कि नहीं लगेगी, ये इसका टेस्ट काफ़ी कुछ डिफरेंट होगा या फिर क्या अलग होगा। तो बना के देखते हैं इसको कैसी लगती है। तो दोस्तों अब हम जलेबी बनाने के लिए आ चुके हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें पूरा कंटेंट को 125 ml पानी में घोलना होगा और उसका स्मूथ बैटर बनाना होगा और उसे थिक करना है ऑल्टरनेटिवली, जिसमें लिखा हुआ है हिंदी में पढ़ ले सकते हैं आप लोग, ये लिखा हुआ है इसमें कितने ग्राम पानी में मिलाएं इसको, इतने मिलीलीटर पानी में मिलाएं, और जो गिट्स जलेबी मेकर है उसमें बांध डाल दें या फिर मोटे कपड़े वाले में डाल दें। एक मोटा कपड़ा आता है ना जलेबी बनाने के लिए, वो तो नहीं है हमारे पास, हम गिट्स जलेबी मेकर को यूज़ करेंगे। फिर एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालना है, 250 ग्राम तेल डाल के हमें क्या करना है उसे स्क्वीज कर देना है कपड़े के अंदर, और फिर उसे 1 से 2 मिनट तक फ्राई करना है। फिर चाशनी में डालना है, और चाशनी बनाने की विधि दी हुई है हमें इसके अंदर, ठीक है। तो भाई ऐसा कुछ है तो अब देखते हैं, चलो पहले हम घोल बनाएंगे और देखते हैं कैसा बनता है। तो हमने वो जो बैटर मिला था हमें उसमें से हमने वो काट लिया है और एक बर्तन में निकाल लिया है, और अब हम इसमें पानी मिलाने वाले हैं। तो दोस्तों ये हमारा बैटर है। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग देख सकते हैं आप लोग, हम इसमें बैटर डाल चुके हैं, अब हमें इसमें 125 ml पानी डालना है। तो हम सोच रहे थे कि 125 ml पानी कैसे नापें, तो भाई जो गिट्स जलेबी मेकर है उसी पे लिखा हुआ है, मार्किंग दी हुई है, ये देख सकते हैं यहाँ पे 125 की मार्किंग दी हुई है। मैं यहीं से पानी नाप लूँगा और डाल दूँगा इसमें। तो चलिए अब पानी नापते हैं, और पानी नाप के इसे मिला के फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों मैं इसे पानी नाप चुका हूँ, ये देख सकते हैं ये पूरे 125 ml पानी हो चुका है, अगर दिख रहा होगा तो आपको, ठीक है। और मैं इसमें डालने वाला हूँ, और हमें इसको पानी को अच्छे से मिलाना पड़ेगा, और फिर इसको आगे मिला के चम्मच से मिला लेते हैं पहले इसको अच्छे से, फिर आपसे मिलते हैं चम्मच से अच्छे से मिलाने के बाद। इसको काफ़ी गाढ़ा पेस्ट रखना पड़ेगा, ज़्यादा पतला हो जाएगा तो हमें जलेबी बनाने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों मैंने उसमें देख सकते हैं उतना पानी डाला था, काफ़ी मिलाने के बाद ये पेस्ट काफ़ी हार्ड है। मैं इसको थोड़ा और मिलाता हूँ, अगर थोड़ा और पानी मिलाऊँगा तो आपको बता दूँगा, ठीक है। तो पहले इसको और अच्छे से मिलाना पड़ेगा, उसके बाद हम आपसे आगे मिलते हैं 2 सेकंड बाद। तो दोस्तों मैंने अपनी दादी से पूछा अभी कि इसमें थोड़ा और पानी डालना पड़ेगा कि नहीं डालना पड़ेगा, तो मेरी दादी ने बोला हाँ डालना पड़ेगा। तो मैं उनके कहने के मुताबिक अभी थोड़ा सा पानी और डालूंगा, तो आपको बताता हूँ कि कितना पानी मैंने और डाला।
देख सकते हैं बहुत थोड़ा सा पानी डाला है क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया था ये, इसलिए थोड़ा सा और पानी डाला है मैंने और इसको थोड़ा मिलाऊंगा मैं। ठीक है दोस्तों, तो अब मिलाता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे और देखते हैं कि ये कितना गाढ़ा है और कितना गाढ़ा नहीं है। तो दोस्तों जैसे कि आप सब देख सकते हैं थोड़ा सा पानी मैंने इसमें और मिलाया है अब मेरे घुटने पे। तो दोस्तों जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं कि मैं इसको पूरा मिला चुका हूँ अच्छे से और ये काफ़ी शायद काफ़ी हार्ड हो चुकी है यार, अब देख लो कैसी है, काफ़ी हार्ड हो चुकी है। तो अब इसको ऐसे तो मिला लिया है, पहला हमारा स्टेप कंप्लीट हो चुका है इसको इसमें पानी मिलाने का। अब हमें कढ़ाई में तेल चढ़ाना पड़ेगा, तो हम कढ़ाई में तेल चढ़ाने की तैयारी करने वाले हैं और चाशनी के लिए पानी जो नापूंगा मैं वो फिर से 240 ग्राम पानी चाहिए और 300 ग्राम चीनी चाहिए। तो भाई वो तो मैं वेइंग मशीन से नाप लूँगा चीनी तो, और जो पानी नापना होगा वो मैं इस गिट्स जलेबी मेकर से पहले नाप के रख लूँगा, तो आप भी ये करना ठीक है। तो हम चाशनी के लिए पानी वानी नाप लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों मैं देख सकते हैं कि मैं गैस जला चुका हूँ, अब मेरी दादी का कहना है कि हमें पहले चाशनी बना लेनी चाहिए, तो मैंने इसके अंदर 240 ml पानी डाल दिया है और 300 ग्राम चीनी भी नाप ली है, तो वो ये रही मेरे पास, अब मैं उसके अंदर डालने वाला हूँ। तो भाई ये देखो पानी डाल चुका हूँ मैं इसके अंदर। ये काम मैं सब अपने घर वालों की सहायता से कर रहा हूँ, अकेले नहीं कर रहा क्योंकि मुझे खाना बनाने का इतना अनुभव नहीं है, अभी थोड़ा बहुत खाना बना लेता हूँ मैं और अब सीख जाएंगे थोड़े दिन में हम लोग भी, क्योंकि खाना बनाना सबको आना चाहिए क्योंकि भूखे पेट कोई नहीं रह सकता। तो भाई देख सकते हैं इसके अंदर चाशनी बन जाएगी अभी थोड़ी देर में, आपसे तब मिलते हैं कि जब ये पूरी जल जाएगी, क्योंकि अभी गैस से भी मैंने ऑन ही करी है, तो देख सकते हैं आप लोग क्या होने क्या होता है अभी इसमें चाशनी बनेगी अभी थोड़ी देर में, तो तब उसी के बाद मिलती है। नहीं तो अगर पूरे विस्तार से पूरा दिखाऊंगा तो वीडियो एक घंटे का हो जाएगा, लिखा हुआ उसके अंदर 15 मिनट लगते हैं लेकिन 15 मिनट में नहीं बन पाएगा पूरा, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, पहले इसको बनने देते हैं पूरा ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं चाशनी पूरी घुल चुकी है ठीक है, चाशनी पूरी घुल चुकी है। मेरी दादी का कहना है कि अभी हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा कि इसके तारे बनने लग जाएं चाशनी की, थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी, उसके बाद हम इसकी आँच मंदी करेंगे और इसकी प्योरीफिकेशन करेंगे, जो पीलापन है चाशनी का वो दूर करने के लिए हम दूध डालेंगे दादी माँ उसमें, हम दूध डालेंगे उसके अंदर। तो मेरी दादी बता रही है मुझे, तो आपको भी पता लग जाएगा, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मज़े लीजिएगा, और कभी मौका मिले तो जलेबी ज़रूर बनाइएगा लाके एक बार, और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपकी जलेबी कैसी बनी और आपको खाने में कैसी लगी ठीक है। दोस्तों तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों मेरी दादी अभी इसमें थोड़ी रिझने के बाद थोड़ी उबलने लग गई है चाशनी, देख सकते हैं पूरी, अब इसमें मेरी दादी थोड़ा दूध डालेगी, तो देख सकते हैं कि दूध कितना है, एक छोटी सी कटोरी में है ठीक है, थोड़ा सा दूध है बहुत ये डालने वाली है, तो दूध डाल देते हैं इसमें, ये देख सकते हैं हमने दूध डाल दिया है, सारा दूध डाल दिया उसके अंदर, वो थोड़ा सा जितना था हमारे पास, और इसको अच्छे से मिला लेते हैं हम लोग। चाशनी का कलर काफ़ी सफ़ेद सफ़ेद सा होगा दूध के डालने की वजह से, इसका मैल उतर जाएगा पूरा जैसे कह रही है अभी, तो देखते हैं कैसे उतरता है मैल। तो देख सकते हैं अभी और उबलने लगी है चाशनी, इसका मैल देखते हैं कैसे उतरते हैं, देख सकते हैं सफ़ेद सफ़ेद झाग बनने लग गए हैं दूध डलने के बाद इसमें, और वो झाग ऊपर आने लग गए हैं, ये निकालने हमें झाग सारे। तो अभी हम पूछ लेते हैं हमारी दादी से, हमें सफ़ेद सफ़ेद झाग उतारने पड़ेंगे सभी, तो वो कह रही है हाँ हमें सफ़ेद सफ़ेद जो झाग ये कोने में इकट्ठे हो गए हैं ये सब हमें निकाल देते हैं और अलग कर देते हैं इनको। एक छोटे से बर्तन को ले लीजिए और उसमें निकाल दीजिए, जैसे ही देख सकते हैं बगल बगल में सब कुछ निकाल दिया है, सफाई हो गई पूरी चाशनी की, ऐसे करते करते जो कुछ भी तैर रहा था या जो कुछ भी था इसके अंदर इम्प्योरिटी वो सब निकल गई है, वो सब इकट्ठी होकर कोने में आ गई थी और सब गाढ़ेपन में सब निकल गई है वो। वैसे दूध एक अच्छा काम कर गया चाशनी के अंदर और चाशनी का कलर भी काफ़ी बढ़िया हो गया इसके बाद, तब आप ऐसे पूरा समेट के सारा गंद निकाल सकते हैं इसका, पूरा प्योरीफाई कर सकते हैं इसको, सारी इम्प्योरिटीज निकाल सकते हैं आप ऐसे करके इसकी। तो दोस्तों ऐसे करते करते आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा,
जैसे जैसे झाग सा ऊपर आते रहेगा और आप साइड साइड से निकालते रहेंगे जैसे अभी हम लोग निकाल रहे हैं, तो ऐसे आप करके थोड़ा इंतज़ार करिएगा इसका, ठीक है। पहले इसका प्योरीफाई होने का पूरा इंतज़ार कीजिएगा, उसके बाद आके काम कीजिएगा। तो मिलते हैं पूरा प्योरीफाई करने के बाद इसको, ठीक है। थोड़ा इंतज़ार करते हैं अभी भी हम इसका कि और कुछ आएगा कि नहीं आएगा ऊपर, अगर आता तो फिर हम पूरा प्योरीफाई कर देंगे इसको आराम से। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने इसकी थोड़ी आँच अभी कम करी है, बनी नहीं है अभी चाशनी पूरी तरीके से। देख सकते हैं सफ़ेद सफ़ेद चीज छेना से बन गए हैं, दूध के खोया जैसा बन गया है। तो वो सब हमें निकालते रहने होंगे साथ साथ इसकी आँच तेज करके, तो झाग के रूप में ऊपर आते रहते हैं वो सब निकालते रहना होगा, ठीक है। तो यही सब निकाल रहे हैं, पूरा प्योरीफाई करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे दोबारा। तो दोस्तों काफ़ी देर रिझाने के बाद इसको देख सकते हैं बिल्कुल इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। हल्की फुल्की जो इसमें रह गई हैं इसे छानना पड़ेगा हमें, हम छान लेंगे अभी थोड़ी देर में और साफ़ कर देंगे बिल्कुल, तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी है। और चाशनी है वो बनने लग गई है, अब देख सकते हैं आप लोग इसमें थोड़े से तारे बनने लगे, देख सकते हैं आप लोग, स्लो मोशन में दिखा रहा हूँ आपको। तो ऐसी चाशनी बनने का इंतजार करना था जो बन चुकी है, मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से, देखो ठीक है भाई। तो ऐसे चाशनी बनाते हैं और लास्ट रिजल्ट ये चेक करते हैं कि तारे बने हैं कि नहीं बने। तारे बन चुकी हैं बिल्कुल, अब हम इसे गैस पर से उतार रहे हैं और अब कढ़ाई में घी चढ़ाएंगे ताकि हम जलेबी बना सकें। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों हमने दूसरी कढ़ाई में थोड़ा सा घी ले लिया है, उसमें लिखा हुआ था कि शैलो शैलो ही रखना घी को कढ़ाई के अंदर, तो हमने छोड़ा ही रखा है। अभी अभी गैस ऑन कर दिया थोड़ा सा घी डाल के, आधी कढ़ाई है, आधी से भी थोड़ी सी कमी है भाई घी, है ना। तो देख सकते हैं आप लोग, और अब उस बॉटल के अंदर मैं भरूंगा क्या कहते हैं, ये रहा हमारा बैटर जो हमने मिक्स किया था और ये रही हमारी बॉटल, ठीक है। अब इसको मैं इसके अंदर भर लूँगा, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। और कढ़ाई में घी का गर्म होने का इंतज़ार करना बहुत ज़रूरी है, तो घी को गर्म होने देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों कढ़ाई पे घी रखे हुए हमें 5-7 मिनट 10 मिनट हो चुकी है, देख सकते हैं भाप आनी शुरू हो गई है, लोहे की कढ़ाई है। और इसके अंदर हमने मिक्स रख लिया, अपना भर के तैयार कर लिया है। एक बार मैं आपको बना के निकाल के दिखाता हूँ, तो थोड़ा सा देखो सही आ रहा है। अब बस मुझे टेंशन ये है कि भाई गोल गोल बनेगी कि नहीं बनेगी, थोड़ा थोड़ा लगा के चेक करते हैं कि कैसा आ रहा है। ये देख सकते हैं फूल तो गई है जलेबी बिल्कुल हमारी, ठीक है। थोड़ा इनको फ्राई करके चेक करते हैं कैसा बन रहा है। चेक किया मैंने कि कढ़ाई का घी गर्म हुआ है कि नहीं हुआ। अभी मैंने भाई पहले कांटी की वीडियो में देखा था कि उन्होंने भी ऐसे चेक किया था, तो देख देख के मेरे को थोड़ी समझ आ गई कैसे खाना बनाते हैं। तो अभी हम चाशनी में डाल देते हैं, अलग से निकाल देते हैं अब इसको, ठीक है। हमने इसको ज़्यादा फ्राई नहीं होने दिया। और अब हमारे कैमरा इसमें थोड़ा कढ़ाई में पानी डाल दिया गलती से, कोई बात नहीं। तो दोस्तों मैंने आज से पहले कभी जलेबी भी नहीं बनाई, अगर अच्छी ना बने तो भाई माइंड मत करना, प्रैक्टिस करते करते आ जाएगी, ठीक है। तो पहले बनाता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। ओहो ये तो पूरी फैल गई यार, देख सकते हैं आप लोग पूरी फैल चुकी है, कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे ही खा लेंगे। ये पूरी फैलती जा रही है, रुक नहीं रही है मेरे से, देख सकते हैं। इनको ही संभालते हैं भाई हम, देखते हैं कैसा हुआ है, इन्हीं को भून के खाएंगे हम लोग, चाशनी में डाल लेंगे साथ में। काफ़ी पतली बन रही है ये बात तो है यार, लेकिन गोल बनाने के लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। तो भाई इनको थोड़ा भूनने देते हैं हम लोग, भून चुके हैं पूरा ये, ठीक है। तब एक बार और ट्राई करता हूँ, जब तक इस बॉटल में पेश है तब तक ट्राई करते रहेंगे हम लोग, बनाते रहेंगे, सही बनती है तो। तो दोस्तों मेरे से तो सही बनी नहीं, लेकिन मेरी दादी ने बनाई है, मेरी दादी ने बिल्कुल परफेक्ट जलेबी बनाई है, हमसे तो बहुत बेटर है भाई। हमारी तो बिल्कुल भी सही नहीं थी, भाग गई थी पूरी इधर उधर, ये देख सकते हैं हमारे तो बहुत मेरी दादी ने बहुत सही बनाई है, देख सकते हैं आप लोग पूरी गोल गोल है, ये 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 काफ़ी सही बनाई है। अभी को संभाल रहे हैं कढ़ाई में और देखते हैं कैसा होता है। थोड़ा इनका फ्राई होने का इंतजार करा है, फ्राई हो चुकी है अभी पूरी भाई, जो उसमें लिखा था 25 जलेबी बनेगी 50 बनेगी, वो आप पे मैटर करता भाई कि कैसी बनाते हो आप, वो छोटी छोटी बना के बैठे हुए थे। तो देख सकते हैं आप लोग, ये मेरी दादी ने बना के डाल दी इसमें, चाशनी में डबो दी है भाई, ये चीतड़े से हमने बनाए हैं बेकार से ये, ठीक है। तो ये सब है देख लो भाई आप लोग, ठीक है, इनको अलग कर लेंगे भाई हम लोग, ये देख सकते हैं सही पीस बनाए हैं। अभी एक मिनट हम इनको पहले चाशनी में से निकाल लेते हैं, उसके बाद हम और डालेंगे कढ़ाई में।
तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, ये पूरी बन चुकी है। इसको बाहर निकाल लेते हैं पहले तो हम, ये देख सकते हैं पूरी बन के तैयार है। फिर टूटने लग गई है इसके अंदर जाने के बाद, ये बात तो कहूँगा मैं आप लोगों से। काफ़ी एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ भाई, काफ़ी डेलिकेट हैं जलेबियाँ, काफ़ी नाजुक हैं। तो भाई ये देखो, ये सही बनी है यार, इसे भी साइड में निकाल लिया मैंने। और ये भी काफ़ी नाजुक है, ये शायद हमने ज़्यादा फ्राई नहीं होने दिया, ज़्यादा करारी नहीं करी, थोड़ी मुलायम मुलायम में निकाल लिया है। इसको पूरे को साफ़ कर दूंगा मैं, ठीक है। तो पूरा साफ़ कर दिया मैंने अब, ठीक है। तो उनको एक कढ़ाई में फैला दिया मैंने पूरा, नहीं तो अगर आप एक वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि क्या कहते हैं, जिसमें से एक्स्ट्रा जो चाशनी होती है कहीं से लटका के छोड़ देते हैं, जैसे जलेबी वाले, तो वैसा भी कर सकते हैं आप, वो आपकी मर्ज़ी है। तो भाई मैं इसे पूरा साफ़ कर दूंगा अब कढ़ाई को, ताकि हम नई जलेबी डाल सकें। अभी हमारे पास पेस्ट बहुत है, तो हम पूरा लास्ट तक ट्राई करते रहेंगे कि हम बड़े से बड़े जलेबी बना सकें, ठीक है। ये पूरा साफ है भाई, अब इसमें नई जलेबी आने के लिए तैयार है, ठीक है। टॉर्च बनाते हैं अब, तो भाई और जलेबी बना चुके हैं हम लोग और इसमें डाल चुके हैं। तो भाई काफ़ी जलेबी बनाना दिखा चुके हैं हम लोग आपको, इसे चाशनी में डबो दिया हमने फिर से, ठीक है। अब बस बारी आती है, हमने थोड़ा सा और पानी मिलाया, बता देता हूँ पेस्ट में, क्योंकि काफ़ी टाइट हो गया था वो यार, और जलेबी सही नहीं बन पा रही थी उससे। तो ये देखो भाई कैसी मस्त जलेबी आई है, ठीक है, काफ़ी बेहतरीन लग रहा है वाला पीस। इसे ही बाहर निकालता हूँ, और अब टेस्ट करने की बारी आ चुकी है, गरम गरम में टेस्ट कर लेते हैं, काफ़ी देर नहीं लगाते हैं हम लोग। अब ये छोड़ देते हैं लोग, जितना पेस्ट बनाए उसे बाद में बनाएंगे, और चलते हैं टेस्ट करने की ओर अब, ठीक है भाई। ये देख सकते हैं आप लोग, तो बस अब चलते हैं टेस्ट करने की ओर। तो चलिए दोस्तों, तो दोस्तों जलेबी बन चुकी है, अब टेस्ट करने की बात है कि जलेबी कैसी बनी है, और क्या मतलब अच्छी बनी है, बुरी बनी है, कैसी बनी है, अब मैं टेस्ट करता हूँ। और ये आप देख सकते हैं कि ये हमारी जलेबी है, तो मैं इसमें टेस्ट करने वाला हूँ, जल्द टेस्ट कर रहा हूँ। भाई जलेबी मस्त है, ना ज्यादा मीठा है, भी ज्यादा मीठा हो तो लग रही है खाने में मस्त है एकदम। तो दोस्तों इसको बाजार जैसे टेस्ट नहीं है बिल्कुल भी, मतलब अपना एक टेस्ट है, लेकिन काफी अच्छा टेस्ट है, मुझे खाने में काफी अच्छी लगी। दोस्तों एक बार जरूर ट्राई करना इसको, एक बार अपने घर में जरूर बनाना ये वीडियो ये। और बाकी मैं तो जलेबी खा रहा हूँ, और आप भी खाइए लाके, बहुत मस्त है, खाना जरूर एक बार। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों आपने आज देखा कि हमने कैसी जलेबी बनाई, तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।